हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीव विज्ञान की शाखाएं तथा उनके जनक करेंगे। ये तो ऐसे पार्ट वन होने वाला है, और अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए इसी टॉपिक पे चाहिए, तो मैं और भी इनके पार्ट्स लेकर के आऊँगा। आपको पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं और उनके भिन्न भिन्न जनक भी हैं, तो उन सभी को मैं एक एक करके आपके सामने लेके आऊँगा। आपको बस करना यही है कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ आंसर भी करते चलेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना आता है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, जल्दी से कमेंट करें आप अपना आंसर। डार्विन, अरस्तु, हेकल या एडवर्ड जेनर। तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ के उसके ऑप्शंस पढ़ूंगा, उतना समय आपके पास रहेगा और उस दौरान आपको आंसर करना है। ये मैं आपको पहला एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा अनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा अनुवांशिकता तथा विविधताओं के अध्ययन से संबंधित है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, अनुवांशिकी या फिर कीट विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुवांशिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। इससे पहले हमने जंतु विज्ञान देखा था, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, डार्विन, अरस्तु, हेकेल या फिर एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। जी हाँ, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के ही जनक अरस्तु हैं, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है। औषधि विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, डार्विन, हिप्पोक्रेटस, हेकेल या फिर एडवर्ड जेनर। तो औषधि विज्ञान के जनक हम हिप्पोक्रेटस को मानते हैं। हिप्पोक्रेटस औषधि विज्ञान के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके सामने, प्रतिमा विज्ञान, मुद्रा शास्त्र, म्यूजियोलॉजी, एपिग्राफी। तो क्या सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, म्यूजियोलॉजी। याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नाम है क्योंकि इसके बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम यहाँ पे देखेंगे कि जीवाश्म फॉसिल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आचार शास्त्र, हेतु विज्ञान, मानव विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। चलो देखते हैं हम अगला अपना क्वेश्चन कि मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। मृदा से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी या पोमोलॉजी। तो सही आंसर हो जाएगा मृदा विज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन कि जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु भी ये जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या फिर रॉबर्ट कोच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखेंगे हम अगला अपना क्वेश्चन कि फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, शरीर क्रिया विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, कवक विज्ञान या फिर जीव विज्ञान। तो बहुत ही आसान है, कवक का अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तुत किए थे। अनुवांशिकता के नियम किन्होंने दिया था, मॉर्गन ने, मेंडल ने, बैटसन ने या माइक केली ने, किसने दिया था। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो अनुवांशिकता का जो नियम दिया था, ये दिया था मॉर्गन ने। किसने दिया था, मॉर्गन ने। नेक्स्ट के देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं, प्राणी विज्ञान, कीट विज्ञान, बहुपद विज्ञान या पारिस्थितिकी विज्ञान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर,
इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी विज्ञान। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे तो पीडीएफ आपको एक नीचे लिंक मिलेगा, वो हमारे वेबसाइट का लिंक है, उस वेबसाइट पे जाके आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ये आपको सेम टू सेम वहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा और उसके नीचे जाके आप क्या कर सकते हैं डाउनलोड, आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलो देखते हैं हम आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें पशु व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आप कमेंट करें, पारिस्थितिकी, शरीर विज्ञान, जीव पारिस्थितिकी और इथोलॉजी। तो इसको सही आंसर है इथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे हम कि औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, औषधियों और उनके कार्यों का अध्ययन क्या कहलाता है, औषधि निर्माण विज्ञान, जीवाश्म प्राणी विज्ञान, औषधि विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, औषधि विज्ञान, औषधि विज्ञान। और इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी सबसे ऊपर हमने पढ़ा था हिप्पोक्रेटस ने करी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन से है। ओडोंटोलॉजी बहुत ही कंफ्यूजिंग ये नाम हो जाता है, एक तो पढ़ना मुश्किल याद करना मुश्किल, तो जल्दी से बताएं, अस्थि, काल, प्रभावन, दंत या फिर व्यक्ति वृत्त। तो क्या सही आंसर हो जाएगा, दंत, दंत यानी कि दांत यानी कि टीथ, हमारे जो दांत होते हैं 32 दांत, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, हीमेटोलॉजी या हेपेटोलॉजी, क्या कहेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियोलॉजी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कार्डियोलॉजी। चलिए देखेंगे आगे हम, ये देखिए ये कार्डियो वर्ड जो है ये अपना एक इंग्लिश की जो बहुत सारी भाषाएं होती हैं ग्रीक लैटिन, तो उसी में से किसी एक में कार्डियो का अर्थ हृदय ही होता है, कार्डियो का जो अर्थ होता है वो हृदय होता है और वहीं से हम इसे लेते हैं, इसीलिए कार्डियोलॉजी का और जो इसके डॉक्टर होते हैं उसे हम कार्डियो स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, लिम्नालॉजी, हर्पिटोलॉजी, मेलाकोलॉजी या फिर अर्निथोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी अर्निथोलॉजी। अगला देखेंगे हम कि प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किसने किया था, प्रतिरक्षा तकनीक का विकास किन्होंने किया था, जोसेफ लिस्टर, लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। तो ये किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम कि मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं, यानी कि मधुमक्खी पालन जो हम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर। किसी भी चीज़ को जब हम पालते हैं तो वो उसका कल्चर कहलाता है, वही अगर लॉजी है तो वो उसका विज्ञान कहलाता है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखें कि एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है किससे, एक्सोबायोलॉजी लुप्त रूपों के साथ, अन्य ग्रहों के में जीवन के साथ, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ या समुद्री आवास में जीवन के साथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य ग्रहों में जीवन के साथ, अन्य ग्रहों में जीवन के साथ। एक्सोबायोलॉजी, बायोलॉजी हम धरती पे करते हैं और एक्सो यानी कि दूसरे प्लैनेट्स पे, याद रखना है आपको। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है, कीट का, चींटियों का, क्रस्टेशियाओं का या ऑर्थोपॉड्स का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चींटियों का जो अध्ययन होता है ये कहलाता है मार्मिकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीट विज्ञान अध्ययन है किसका, पक्षियों का, कीटों का, जीवाश्मों का या फफूंद का। तो काफी आसान ये प्रश्न है, कीटों का,
कीट विज्ञान कीटों का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन देखें कि नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। कोरोलॉजी, कॉन्कोलॉजी, निमेटोलॉजी या नियोनेटोलॉजी, क्या कहेंगे हम इसे? आपको पता है इसे हम कहते हैं नियोनेटोलॉजी। नियोनेटोलॉजी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखें कि प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। प्राणियों और पादप का उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव जाति विज्ञान, वंश विज्ञान, आइकोनोलॉजी या पारिस्थिति विज्ञान? तो ये हम कहते हैं पारिस्थिति विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें कि एरोनियोलॉजी किसका अध्ययन है? मधुमक्खी का, मकड़ियों का, मक्खी पालन का या एफिडो का? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एरोनियोलॉजी। ये होता है मकड़ियों का अध्ययन। मकड़ियों के अध्ययन को हम एरोनियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है। ऑप्शन है आपके सामने, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, पादप जीवन का विज्ञान, बागवानी कला, फसलें उगाने की कला। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा वृक्षों एवं वनस्पति की खेती, ऑप्शन नंबर ए। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किन्होंने? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किन्होंने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हैक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने या डिब्रिज ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिब्रिज। ह्यूगो डिब्रिज इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन देखें कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, कैंसर का, स्तनपाई का या फिर भूमि का? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑन्कोलॉजी एक बीमारी का अध्ययन है जिसे हम कैंसर कहते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर नामक बीमारी का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सीरोलॉजी या फिर बायोलॉजी? क्या कहेंगे हम रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन? एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है? आपने जो हमारे शरीर में ब्लड ग्रुप्स होते हैं आपने देखा होगा AB, AB, O, तो ये सभी जो अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के मौजूद होने के लक्षण के आधार पे होता है। इसी पे हम AB, AB ये सब मापते हैं। तो इसी रक्त में इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी, सीरोलॉजी या बायोलॉजी? तो इसे हम कहते हैं सीरोलॉजी। याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी, मार्मिकोलॉजी, लेपेडिरियोलॉजी या फिर पोलोनोलॉजी? क्या कहेंगे हम इसे, तितलियों के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? इक्थियोलॉजी, मार्मिकोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी या फिर पॉलिनोलॉजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेपिडेटेरियोलॉजी। तितली जितनी सुंदर होती है उतना ही खतरनाक इसका अध्ययन का नाम है। बहुत ही कठिन नाम है, याद रखेंगे आप, लेपिडेटेरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 अपना, कि निम्नलिखित में से मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मछलियों के अध्ययन, आपने मछली पालन की कला पढ़ा होगा, पीसी कल्चर। क्या आपको पता है कि मछली का अध्ययन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताएं, लेपिडेटेरियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, सिक्रोटोलॉजी या क्रिप्टोलॉजी? बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ऑप्शन में आपको एक यहाँ पे मान लो कि किसी एक को कट करके, जैसे लेपिडेटेरियोलॉजी तो हमें पता है, तो इसे काट के अगर पीसी कल्चर दे दिया जाए तो मैं कहता हूँ कि 100 में से 70 बच्चे इस पे टिक कर देंगे कि वो पीसी कल्चर है, मछलियों से संबंधित है। लेकिन वहाँ पे मत्स्य पालन की विधि बताई जाती है और यहाँ पर मत्स्य
का अध्ययन करना है, मछली का अध्ययन करना है, तो वहां पे पीसी कल्चर नहीं होगा, वहां पे हो जाएगा सही आंसर हमारा इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी ध्यान देना है कि मत किसी भी चीज को पालते हैं, उसका संवर्धन करते हैं तो वो कल्चर के हिसाब से आता है, और उसका अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो उसका विज्ञान कहलाता है, उसमें लॉजी एंड में लगा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन देखें कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़ या फिर मछली। तो सही आंसर यहां पे हमारे पास हो जाएगा पक्षी। पक्षी का हम ऑर्निथोलॉजी में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहेगा ओलेरिकल्चर, सिल्वी कल्चर, एग्रोनॉमी या आर्बोरी कल्चर। तो सही आंसर हो जाएगा सिल्वी कल्चर, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे टोटल 32 क्वेश्चन हमारे इस सेट नंबर वन में। अगर आपको ये सेट और भी चाहिए तो अगर आप इसको अच्छा रिस्पॉन्स दें, वीडियो को लाइक करें और बहुत सारा शेयर कर दें। अगर शेयर्स इसके ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ कम भी हो, अगर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, मुझे दिख जाता है कि शेयर कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो इसका पार्ट टू भी आएगा। और भी ऐसे ही ऐसे अच्छे अच्छे हम आपके सामने साइंस लॉजीज ले करके आएंगे जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, और एग्ज़ाम में पूछ लेने पर आप अपनी बगले झांकने लगते हैं, तो वो आपको फिर से नहीं होगा, ये पूरी तरह से कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन इसमें होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।